तार सप्तक प मोस्टली जब हम हायर ऑक्टेव सीखने की कोशिश करते हैं तो तार सप्तक प मोस्टली शुरुआत में अच्छा साउंड नहीं करता है। तो इस वीडियो में आज हम तार सप्तक प के बारे में बात करेंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल तो पहले तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो सो दैट यू गेट सच इम्पॉर्टेंट माइल स्टोन्स एंड टेक्निक्स इन योर यूट्यूब फीड्स मोर फ्रीक्वेंटली। सो अगर आप तार सप्तक प बजा रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो उनके लिए जो लोग ऑलरेडी तार सप्तक प सीख चुके हैं या सीख रहे हैं और वो तार सप्तक प बजाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस जर्नी में यहाँ पे नहीं हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम। बट अगर आप सीख रहे हो तो तार सप्तक प कैसे बजाते हैं। सा रे गा मा पा पा मा गा रे सा। तो तार सप्तक प जब भी हम बजाते हैं तभी हम पहले तो ये पांच फिंगर्स को क्लोज करते हैं, चौथी ये जो लास्ट ये जो फर्स्ट फिंगर है उसको हम पूरी तरीके से ओपन करते हैं। तो फ्लूट में तीन ऑक्टेव्स होते हैं, लोअर ऑक्टेव, मिडल ऑक्टेव एंड हायर ऑक्टेव, और प तीनों ऑक्टेव में बज सकता है फ्लूट में। बट जो लास्ट प है तार सप्तक प उसकी डिफरेंस ये है कि बाकी के जो पहले जो वाले जो प थे उसमें से ब्लोइंग प्रेशर आप चेंज कर रहे थे, बट तार सप्तक प के लिए आप फिंगर पोजिशन भी चेंज करते हो, आप पहली फिंगर को खोल देते हो। तो तार सप्तक प के लिए हमेशा ऐसे हम बजाते हैं। तो शुरुआत में हम मोस्टली अगर गलत तरीके से प बजा रहे तो आप पहले आपकी फिंगर्स को ठीक कीजिए। दूसरी चीज, जब भी आप तार सप्तक प की बजाने की कोशिश करते हो तो म से प की जो जर्नी है वो आपको कंटिन्यूअस ब्लोइंग में करनी है। और अगर आप शुरुआत में जब प बजाते हो तो आपकी ब्लोइंग प्रेशर कंट्रोल में नहीं है या आपकी क्वालिटी ऑफ प्लेइंग अभी तक ठीक नहीं हुई तो ऐसा हो सकता है कि आपका आवाज इतना अच्छे से ना आए। बट एज लॉन्ग एज तार सप्तक प का आवाज आ रहा है तो इट इज गुड। पॉलिशिंग को थोड़ा टाइम लगेगा, वेयर योर साउंड विल साउंड मच बेटर, बट उसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो डोंट स्टार्ट जजिंग योर ऑक्टेव क्वालिटी कंपेयरिंग द प दैट आई एम प्लेइंग राइट नाउ, बिकॉज आई बीन प्लेइंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विथ माई प, इट विल हैपन विथ टाइम प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड फ्लूट। अगर आपने 400 रुपये की फ्लूट ली है या 300 रुपये की फ्लूट ली है उस पर आप बजाने की कोशिश करोगे तो नहीं बजने वाला है। या आपने ऐसी कोई फ्लूट ली है जिसकी टोनल क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो पहले तो देख लीजिए कि आपकी फ्लूट में 6 होल्स सेम डिस्टेंस पे ना हो। ओके ये अलग अलग डिस्टेंस पे होते हैं और उसके डायमीटर भी अलग अलग होती है। सो ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग्स विच मोस्ट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट तार सप्तक प बजाने के लिए आपको थोड़ा सा आराम से ब्लोइंग प्रेशर करके आपकी फिंगर पोजिशन को सही तरीके से करके आपको फिर दैट इज हाउ यू नीड टू ट्राई एंड प्ले तार सप्तक प एंड वर्क टूवर्ड्स इट, गिव इट सम टाइम, प्रैक्टिस रेगुलरली, ट्राई टू प्ले लॉन्ग नोट्स इन तार सप्तक प सो दैट यू गेट बेटर कंट्रोल ओवर योर ब्लोइंग प्रेशर एंड देन जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। सो आई होप दिस वीडियो हैज बीन हेल्पफुल। इफ यू लाइक द वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई ऑलवेज लुक एट माई कमेंट्स एंड आई विल बी हैप्पी इफ दिस इज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।